हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निशा इजी रेसिपीज। आज हम मार्केट जैसी वड़ा बनाएंगे जो ऊपर से क्रिस्प रहेगी, अंदर से सॉफ्ट रहेगी। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ 1 कप उड़द दाल को 2 से 3 बार धो लेंगे और इसे 4 से 5 घंटे के लिए फूलने देंगे और इसे ग्राइंडर में डाल के इसका पीस लेंगे। एक बार में ग्राइंडर में जितना आएगा उतना हम डाल देंगे और पीसने के टाइम में हम सिर्फ 2 से 3 चम्मच का ही पानी का यूज करेंगे। इसमें 2 हरी मिर्च डालेंगे और थोड़ी सी अदरक डाल देंगे। यह दाल को हमने अच्छे से पीस लिया है, पूरा फाइन पेस्ट बना है और वड़ा में डालने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा धनिया पत्ता, बारीक कटा हुआ प्याज और कुछ करी पत्ते को इस तरह बारीक काट लेंगे। आप इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं करी पत्ते को। और यहाँ हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और 2 टेबल स्पून चावल का आटा डालेंगे। चावल का आटा आप ज़रूर डालें, इससे ही वड़ा जो है ऊपर से वो क्रिस्प बनेगी। और इसे हम अच्छे से आप फेंट लेंगे। आप बैटर को जितना अच्छा फेंटेंगे उतने ही आपकी वड़ा सॉफ्ट और फ्लफी बनेगी। इस तरह इसे हाथ से कंटिन्यू घुमाते जाना है, 5 से 6 मिनट इसे इस तरह मिलाते जाए। अब बैटर हमारा तैयार है या नहीं इसे हम थोड़ा सा चेक कर लेंगे। इसके लिए एक बाउल में पानी लेंगे और थोड़ा सा बैटर को उसमें डाल के देखेंगे। देख सकते हैं ये पानी के ऊपर ही तैर रही है। इसे भी हम इसमें डाल के मिला लेंगे और हमारा बैटर अब रेडी है। ऑयल को अच्छे से गरम कर लेंगे और उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर देंगे और हाथ को इस तरह गीला करेंगे और जितना बड़ा आपको वड़ा बनाना है उस हिसाब से हम ले लेंगे। इस तरह दोनों हाथ से करके इसमें बीच में होल बना देंगे और इसे ऑयल में इस तरह डाल देंगे। अब हम एक हाथ से भी आपको वड़ा बना के दिखाते हैं। फिर से हाथ को गीला करेंगे और थोड़ा सा डो को लेंगे और इस तरह गोल करके अंगूठे से फैला देंगे और इसी से होल कर देंगे। वड़ा को फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 2 से 3 मिनट में ही वड़ा फ्राई होके निकल जाती है। एक कप दाल से आप 20 से 25 वड़ा आराम से बना सकते हैं। वड़ा अब अच्छे से फ्राई हो गया है, इसे हम एक झारे से निकाल देंगे जिससे एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा। इसे हम सांभर और चटनी के साथ सर्व करेंगे।
सांभर की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी और जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। और चटनी की भी रेसिपी मेरे चैनल पे है, जो आप बिना नारियल के भी चटनी आराम से बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वड़ा की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।